पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की पुण्यतिथि पर बुधवार को गोलघर स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के ज्येष्ठ पुत्र सपा एमएलसी सीपी चंद द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान चंद परिवार के अन्य सदस्य सहित उनके समर्थक भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा एमएलसी सीपी चंद ने कहा, किस पर माल्यार्पण करके जो है कार्यक्रम का माननीय एमएलसी चंद्वारा पुष्प अर्पित करते हुए परम पूज्य बाबू जी को और माननीय एमएलसी साहब जी बाबू जी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ऊपर से बाबू जी का स्नेह प्राप्त हो रहा है। बाबू जी के चित्त पर पुष्प अर्पित करते हुए डॉक्टर रविंद्र जी हो जाएंगे, यही बोल हो जाएंगे। भाव जी के शिक्षा उनके अब ये पुण्यतिथि तो पिता हमारे श्रद्धेय पिता मार्कंडेय चंद जी की पुण्यतिथि है, तो एक ये व्यक्तिगत जो है ये कार्यक्रम है जिसमें सारे पिताजी से जुड़े हुए लोग, उनके प्रिय लोग, उनके जो दोस्त मित्र थे, उनके परिवार के लोगों का ये आयोजन है जिसको हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं। तो बस यह स्मृतियां हैं, आदमी तो चला जाता है, उसके कर्म और स्मृतियां ही साथ रहती हैं। तो अपने उसमें संस्मरण जो है साझा करने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। किसी भी पुत्र के लिए उसके पिता की अनुपस्थिति तो बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो पग पग जो है हर पल उनकी कमी महसूस होती है। उनके रहने से जो साहस, जो आत्मविश्वास प्राप्त होता है उसका अभाव तो दिखता है, तो स्मरण तो आदमी हर पल करता है। किसी भी पुत्र के लिए सबसे सौभाग्य की बात होती है कि उसका पिता माता का छत्र छाया जो है वो जितने समय तक साथ रहे वो उतना ही भाग्यशाली है।